स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवरों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस नए कानून के विरोध में पेट्रोल डीजल टैंकरों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल करने से प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी कतारें लग गई। नए साल की एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर की शाम से राजभर पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। जबलपुर में पेट्रोल डीजल टैंकर ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते शहर में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल न पहुंचने से लोग अपने दो पहिया और चार पहिया वाहन लेकर पेट्रोल पंपों पर परेशान होते दिखे। सूत्र बताते हैं कि हिट एंड रन के नए कानून के चलते ट्रक ड्राइवर्स लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं। अगर ड्राइवर हड़ताल पर गए तो लोगों को पेट्रोल और डीजल के लिए परेशान होना पड़ेगा। हालांकि जबलपुर में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने पेट्रोल डीजल की आम जनता को किल्लत न उठानी पड़े इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री के आदेश के बाद भी शहर में पेट्रोल और डीजल के टैंकर पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंचे हैं। वहीं जनता रात भर पेट्रोल डीजल के लिए परेशान होती रही। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। आप पेट्रोल डलाने आए हैं, क्या समझ में आया पेट्रोल पंप बंद है? पेट्रोल पंप में बहुत दिक्कत नहीं हो जाएगी? हम लोगों तो डेली का काम है, रोजमर्रा का डलाना हम लोगों का काम ही ऐसा। कभी रत्ती चौकी जाना है, कभी आधार ताल जाना है, हम लोग को भागते रहने का। क्यों बंद है पेट्रोल? यही सुना है ट्रक की हड़ताल चल रही है, उस वजह से जो कानून बनाया है अभी नए कानून जो पास हुआ है उसकी वजह से। अब ये जानकारी तो आप लोगों को ज्यादा होगी, आप लोग पत्रकार हैं, कब तक बंद रहेगा? नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनवार, मोहम्मद अनवार। पेट्रोल पंप आप लोगों ने अभी बंद किया है, क्या कारण? माल नहीं आ रहा है, जैसा कि आप सभी को खबर मिल चुकी होगी कि टैंक ड्राइवर्स की जो है वो हड़ताल हो चुकी है। अभी पिछले कुछ दिनों में एक आपने बयान सुना होगा अमित शाह जी का, जिसमें अमित शाह जी ने बताया है कि अगर कोई दुर्घटना में किसी टैंक ड्राइवर या किसी ट्रक ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे कड़ी सजा एवं कड़ा जो है भुगतान उसे करना पड़ेगा। जिस वजह से टैंकर हड़ताल पे है और हम माल नहीं मंगा पा रहे हैं, जिस वजह से आज हमें अपना पेट्रोल पंप जो है वो बंद करना पड़ा। कब से कब तक रहेगी हड़ताल को? इसका अभी कोई खबर नहीं है हमारे पास। कितने पेट्रोल पंप जो प्रभावित हो रहे हैं आपको जो पता होगा अभी तक? करीब अभी हमारे नॉलेज में करीब 10 से 12 ऐसे पेट्रोल पंप हैं जबलपुर के जो अभी दिन में 3 बजे तक बंद हो चुके हैं। और अभी लगातार जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, भीड़ बढ़ रही है, तो सब पंप बंद होते जा रहे हैं। नाम बता। हर्षरण सिंह। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।